असलकम व्लि व अलहदुल्ल व सलाम अला रसूलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और ये डिस्कशन तो हमेशा रहता ही है आप लोग सोचेंगे शायद ये वही डिस्कशन है जो मस्जिदों में होता है जो घरों में होता है इसलिए कि हर बड़ा चाहता है कि बच्चे उसकी इज़्ज़त करें राइट लेकिन उसके रूल्स क्या है रेगुलेशंस क्या है किस तरह से वो हमको सवाब दिला सकता है इसका डिस्कशन आज करेंगे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स आज का टॉपिक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एल्डर्स किसे कहते हैं एल्डर्स की कैटेगरी होती है माँ बाप एल्डर्स में आते हैं गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो भी एल्डर्स में होती है आपके क्लासरूम में जो टीचर है वो भी एल्डर्स है आपका बड़ा भाई आपके चाचा मामू ये भी एल्डर्स में है और मोहल्ले का या कहीं पे भी आप किसी ज़यीफ़ आदमी को देखो वो भी आपके एल्डर्स में आते हैं और साथ ही साथ आपके टीचर्स भी एल्डर्स में आते हैं और दीन भी एल्डर्स में आते हैं इतनी सारी कैटेगरीज एल्डर्स की है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता है और हमारे छोटों पर रहम नहीं करता है वो हमारे में से नहीं है शायद ये हदीस आपने कई दफ़ा सुनी होगी उस हदीस का बैकग्राउंड क्या है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तो बात आपके समझ में आ जाएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक डेलीगेशन आया मुसलमानों का देवर न्यू मुस्लिम्स उनको कुछ शिकायत थी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो डेलीगेशन मस्जिद नबी में आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सब बिठाया अब कहा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी शुरू करें आप लोग कहाँ से आए हो तो उस महफ़िल में एक यंग आदमी था वो बोलता है या रसूलुल्लाह हम लोग फ़लाने फलाने कभी लेके गए अच्छा अच्छा आप लोग कब आए या रसूलुल्लाह उसी शख्स ने वो जो नौजवान था उस महफ़िल में उसी शख्स ने बोलना शुरू किया कि हम लोग आज सवेरे पहुंच गए फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी पूछते थे वही जवाब देता था कुछ भी पूछते तो वही जवाब देता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके बड़े नहीं है क्या यहाँ पे यू डोंट हैव एनी एल्डर्स बोला मेरे वालिद साहब है और हमारे कबीले के सरदार भी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत दी उसको जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइन्टी परसेंट हम लोग उसे मिस करते हैं हम माँ बाप की खिदमत करते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बड़े मौजूद हो तो छोटों को खामोश रहना चाहिए लेट योर एल्डर्स स्पीक हम क्या करते हैं हम ज़्यादा बोलते हैं ना डैडी तुमको क्या पता मम्मी तुम क्यों बीच में बोलते हो ये बहुत कॉमन डायलॉग्स है हमारी फैमिलियों में हमारे घरों में लेकिन यहाँ पे देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को वो बोलने में होशियार था उसको शायद नॉलेज भी ज़्यादा था उसकी स्टाइल भी अच्छी थी लेकिन नबी ने कहा सिट डाउन लेट योर एल्डर्स भी तुम्हारे बड़ों को बात करने दो तो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हमारे में से नहीं है पता चला कि बड़ों की इज्जत बहुत बड़ी चीज है और बड़ों में सबसे बड़ा मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है वो तो हमें पता है इसमें कोई शक नहीं है यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बदारी नबी अलैहि वसल्लम की इज्जत ईमान का हिस्सा है इफ समबड़ी डिसरिस्पेक्ट द प्रॉफिट उसका ईमान खतरे में है कुफर में भी, भी जा सकता है आदमी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अलमदुल्ला उसके बाद माँ बाप की इज्जत आती है और कुरान ने छ जगह पर माँ बाप की फर्मा बदारी माँ बाप के साथ गुड कंडक्ट एक्सिलेंट बिहेवियर का तस्करा किया छ जगह पर एक साथ में और वो छ जगह पर तोहिद के साथ अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना वहां पर अल्लाह ने कह दिया कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि अल्लाह ने तोहीद के साथ उसको जोड़ दिया ये एक जगह पर अल्लाह ताला यहाँ तक फरमाता है सुर अल इसरा में कि मेरा शुक्र अदा किया करो और तुम्हारे माँ बाप का भी शुक्र अदा किया करो मेरा भी शुक्र अदा किया करो और तुम्हारे माँ बाप का भी शुक्र अदा किया यानी अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी शुक्रगुजारी के साथ अपने माँ बाप की भी शुक्रगुजारी को कनेक्ट कर दिया हमारे माँ बाप की शुक्रगुजारी अब माँ बाप की शुक्रगुजारी क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है ना जब अगर किसी को पूछे आर यू थैंकफुल आर यू ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स यस यस तो मैं पूछूंगा भाई कब कैसे इट्स टू प्रूव तो कुरान ने हदीस ने पैरामीटर्स दिए हैं हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला इन आयतों की तफसीर में कहते हैं अब तो इबन अब्बास कुरान के मुफसरीन थे और स्कॉलर्स थे यानी इनको कुरान का फहम था ही वी हैड द नॉलेज Of explaining Quran. तो ये कहते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं आप सुनो ध्यान से आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं और आप उठकर अपने कपड़े झिड़केंगे धूल आँख में जाएगी तो इवन देन इट इज ए बैड कंडक्ट विथ पेरेंट्स तो माँ बाप के साथ उसने सुनू की इतनी नरमी से होती है माँ बाप के साथ इट्स का तस्वर नहीं कर सकते आप यू हैव टू बी वेरी हम्बल वेरी पोलाइट वेरी काइंड टर्ड्स योर पेरेंट्स यहाँ तक कि उफ भी बोल दिया तो आपकी निकिया खत्म हो सकती है एल्डर्स माँ बाप का ये मकाम है उसका और एग्जाम्पल देता हूँ जब मक्का फतेह हुआ मक्का फतेह हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और मक्का वाले मुसलमान हो रहे थे कलमा पढ़कर लोग आते थे और बैठ लेते थे लोग आते थे बैठ लेते थे अबू बकर सिद्दीक ने देखा जल्दी जल्दी घर पे गए अपने ज़ईफ बूढ़े वालिद को अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद को कंधे पे बिठाया कहां बिठाया कंधे पे बिठाया घोड़े पे ला सकते थे ऊंट पे ला सकते थे लेकिन इतने कमजोर थे कि कंधे पे बिठाया और कंधे पर बिठा कर लेकर आए अल्लाह के रसूल के पास बैत लेने के लिए बिग थिंग राइट कर सकते आप फिर भी अल्लाह के रसूल ने क्या कहा देखो इवन देन इट वॉज नॉट अप्रूव इट वॉज नॉट अप्रूव्ड कहा अबू बकर मुझे कह देते मैं तुम्हारे घर पे आ जाता वालिद को इतना दूर तकलीफ क्यों दी? कैन यू अंडरस्टैंड कितना सेंसिटिव है मां बाप की खिदमत का कितना सेंसिटिव और कितना जेंटलनेस से कि नबी खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आके तुम्हारे वालिद की बैठ लेता वाई डिड यू गिव यू सो मच ट्रबल अब्दुल्ला बिन उबर रो एक दफा हरम में बैठे थे हरम कहते हैं काबा की विसिडिटी को हरम कहते हैं एक दफा हरम में बैठे हैं और एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर लेकर तवाफ कर रहा है और तवाफ करते करते कहता है माँ तेरा सवारी का जानवर तेरे साथ कितना जेंटल है अपने आप को कहता है सवारी का जानवर इमन उम्र देखते हैं क्या है बुलाओ इसको उसको बुलाया जाता है तवाफ हो जाती है तो उसको बुलाते हैं इतने उभर अपना तारुफ देते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कहते हैं कि जो देखा मैंने ये क्या हो रहा है भाई क्या कर रहे हैं आप यहां मसनू दुआएं पढ़नी चाहिए क्या क्या इबादत करनी चाहिए तुम क्या कर रहे हो तो वो शख्स कहता है मैं यमन से आया हूं मेरी माँ जईफ़ कमजोर लेकिन उसको उम्र करना है हज पढ़ना था अब इतनी कमजोर है कि मैं उसको ऊंट पर बिठाता हूं तो उसको कमर में तकलीफ होती है मैं उसको घोड़े पर बिठाता हूँ अच्छे में अच्छा महंगा घोड़ा नरम घोड़ा तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं अपनी मां को कंधे पे बिठाकर यमन से चलकर लाया यमन से मक्का पता कितना किलोमीटर्स यहां से 520 किलोमीटर 550 किलोमीटर्स किलोमीटर से भी ज्यादा यमन से चलकर अपनी मां को कंधे पे रेगिस्तान में ऐसे भी नहीं कि हाईवे है कि आराम से आदमी चल देवे या बस में बिठा दिया अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा कर यमन से चलकर उमरा करने हज पढ़ने लेकर आया कर सकते हैं क्या मम्मी की हाथ की थैली नहीं उठाएगी यार बाजार से आती होगी है ना व्हाट्सएप पे मम्मी को पानी भी नहीं देते हो गया व्हाट्सएप के वक्त बिजी है ना मम्मी व्हाट्सएप के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करने का इंस्टाग्राम मम्मी को हैप्पी बर्थडे भी इंस्टाग्राम पे करते हैं पूरी दुनिया में को हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं तो आज हम लोग भूल गए कि वट ग्रेट पीपल वर द अर्ली मुस्लिम्स कि वो शख्स अपनी मां को कंधे पे बिठाकर यमन से लेकर आता है ताकि मां को तकलीफ नहीं हो कितना महीना लग गया होगा एक घंटे में आदमी ज्यादा से ज्यादा अगर स्लो चलेगा मां को तकलीफ नहीं हो तो एक घंटे में दो किलोमीटर चल सकता है राइट एक दिन में दस घंटा बारह घंटा अगर चलेगा तो चौबीस किलोमीटर हुआ दस दिन में 240 किलोमीटर बीस दिन तक अपनी मां को कंधे पर रखकर चला होगा और वापस भी गया होगा 40 डेज 10 आवर्स अ डे फिर हजरत इब्ने उमर से पूछते हैं कि क्या यह मेरा अमल मेरी मां ने जो मुझ पर एहसान किया है उसको कॉम्पेंसेट कर सकता है क्या तो कहा कि नहीं कर सकता है नॉट एट ऑल सो दिस इज द स्टेटस ऑफ गुड कंडक्ट टूवर्ड्स पेरेंट ये लेवल का गुड कंडक्ट होता है हम क्या करते हैं आप बताइए मुझे वी डोंट इवन ओबे अवर पेरेंट्स मां बोलते फजर में बेटा नमाज पढ़ ले नमाज पढ़ ले उठते नहीं यहां तक कि अल्लाह उसके रसूल और मां बाप तीनों की नाफरमानी होती है जब हम फजर में सोते हैं तो थ्री टॉप जहां पे जिन तीन की ओबीडियंस फर्ज है उसको हम इनकार करते विबे ऑल थ्री ऑफ दम टूगेदर वेन वी रिफ्यूज टू प्रे फर्ज प्रेयर्स समझ में आते हैं बात को कितना सीरियस केस है ये आप टॉपर हो गए आप मैथ्स में 92 भी लाते हो गए अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार अगर तुम फजर की नमाज में अल्लाह की रसूल की और अपने माँ बाप तीनों की नाफरमानी कर बैठे तो तुम्हारे नाइन्टी परसेंट नाइन्टी तुम्हारा गुड लुस तुम्हारा ब्यूटीफुल चेहरा तुम्हारा ब्यूटीफुल फिगर तुम्हारे इतने पैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के नज़दीक कचरे के डब्बे में नथिंग तो बड़ों की इज्जत का ये मकाम है उसके बाद बड़ों में शुमार होता है रिलीजियस स्कॉलर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट लोग रिलीजियस स्कॉलर्स को इज्जत नहीं देते आजकल नहीं आजकल लोग नॉन रिलीजियस स्कॉलर्स को स्कॉलर समझते हैं जंक स्कॉलर्स अपना मार्केटिंग करते हैं ब्रांडिंग करते हैं वो लोग आजकल स्कॉलर्स हो जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले होते हैं मदरसे में पंद्रह बीस साल सीखे रहते हैं अपने सीनियर उलमा की सोहबत में रहकर किताबें पढ़ते हैं मुझसे इनसे उनसे 25 गुना ज्यादा जानते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स उनकी इज्जत हम नहीं करते हमारे जमाने में अब देखो मैथ्स और साइंस की फीस कितनी है 2000। 2000 मैथ्स और साइंस की फीस है जिंदगी के 15-16 साल तो चले गए अब 40 साल बचे उसमें मैथ साइंस काम आएगा आपको वो भी पांच छह साल के बाद ग्रेजुएशन के बाद लेकिन यू आर पेंग टू थाउजेंड पर मंथ तजवी मकरज दिन सिखाने वाले मौलाना को कितना देते हैं तीन सौ पर मंथ थ्री हंड्रेड पर मंथ कुछ लोगों तो वो भी भारी पड़ता है कि पाँच सौ में दो बच्चे पढ़ा लो मौलाना जैसे बकरे खरीद रहे हम लोग राइट तो जब हम अहले इलम की रिस्पेक्ट हम करेंगे तो वो कॉम तरक्की नहीं कर सकती उस कॉम की इज्जत नहीं बढ़ सकती चाहे पूरा का पूरा, का पूरा कौम पूरी की पूरी कॉम डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएगी इज्जत नहीं बढ़ेगी क्योंकि अहले इलम की इज्जत नहीं हुई अहले इलम की इज्जत का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इबने अब्बास मैंने अभी कहा ना ही वॉज ए टॉप स्कॉलर कुरान के मुफसर अल्लाह के रसूल के कजिन दो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन यंग मैन ये हजरत उमर की महफिल में बैठे हैं और उसी महफिल में दूसरे एक स्कॉलर आते जो इनसे सीनियर है हजरत जैद बिन साबित जैद बिन साबित सीनियर अमंग द अर्ली मुस्लिम्स जो लोग कलमा पढ़े थे अव्वल में वो जैद बिन साबित और अशरल मुबशरा के फर्स्ट एंड साहबी में इनका जिक्र है यह साहबी भी हजरत उमर की महफिल में अब मीटिंग खत्म हुई जैद बिन साबित उठे जाने के लिए कि अपने घोड़े पर बैठकर अपने गांव चले जाए उसके पीछे पीछे भागते हैं अब्दुल्ला इबिन अब्बास बड़े बड़े साहबी मौजूद है ताबे ही है लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास सी द मैन ऑफ नॉलेज किस तरह से दूसरे मैन ऑफ नॉलेज की इज्जत करते भागते हैं अब्दुल्ला इबन अब्बास और जैसे ही जैद बिन साबित घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करते हैं तो अपना हाथ ऐसा रखते हैं कि शेख मेरे हाथ पर पैर रख के ऊपर घोड़े पर चढ़ जाओ वट आर रिस्पेक्ट बाई हुम अनदर स्कॉलर ऑफ कुरान ही वैल्यूड ही ओन रिलीजियस नॉलेज कि मेरे पास जो नॉलेज है इसकी वैल्यू ये है कि मेरे से जो ज्यादा जानता है उसको मैं अपना हाथ दे दू अपना जूता मेरे पैर हाथ पे रखकर वो चढ़ जाऊँ पीपल स्टार्टेड वंडरिंग क्या है ये नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता है सो आफ्टर जैद बिन साबितो आप अल्लाह के रसुल कजिन है तो कहा कि तो क्या हो गया मैं कजिन हूं तो आप मेरे से सीनियर कुरान के स्कॉलर हैं सीधे रिस्पेक्ट और चले गए लोगों ने पूछा क्या बात है कहा कि ये कुरान के सीनियर स्कॉलर है मेरे से ही इज ए सीनियर ही नोज मोर इसीलिए मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया तो पता चला कि रिस्पेक्टिंग स्कॉलर का ये लेवल होता है आज तो हम 300-400 रुपया देते हैं और वो भी मौलाना बेचारे साइकिल पे आते हैं और मैथ्स टीचर मारुति में आते हैं सुजुकी में आते हैं जब किसी कौम का गिरने का टाइम आता है ऊपर से तो सबसे पहले रिलीजियस स्कॉलर्स को इग्नोर करते हैं मैं नहीं कहता हूँ मैथ साइंस को इंपॉर्टेंस मत दो मैं नहीं कहता हूँ ऐसा मैं कहता हूँ कि भैया हमने इल्म दीन की वैल्यू कम क्यों कर दी ई डू वी थिंक एक शख्स आकर मुझे जो कुरान सिखाएगा, तजवीज मखरज जो मैं जिंदगी भर पढूँगा, कुछ सूरतें याद कराएगा कुछ मसनूम दुआएं याद कराएगा, नमाज का सही तरीका वजू का तरीका जो मुझे सिखाएगा उस चीज को मैं महीने एक तीन सौ रुपया क्यों वैल्यू रखता हूँ मैं क्योंकि उन चीजों की मुझे वैल्यू नहीं है मुझे वैल्यू है कोई मुझे कोट पहनकर स्मार्ट बनकर बात करना कैसे सिखाए स्टाइनिक और स्टाइलिश इंग्लिश बोलना कैसे सिखाए मैं उसको ज्यादा पैसा दूं तो हमने दूसरे कल्चर को तरजीह देना शुरू कर दिया तो अहले इल्म की इज्जत हमने कम कर दी और साहबा की इज्जत इसलिए बढ़ी कि अपने अहले इल्म को वो इज्जत देते थे दे यूज टू रिस्पेक्ट देयर स्कॉलर्स एक और एग्जाम्पल देता हूं अहले इल्म की इज्जत की इमाम बुखारी के वाकियात हैं इमाम बुखारी के, के इमाम बुखारी के जमाने में एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें कुछ लोगों ने वो भी स्कॉलर्स थे हज़रत इमाम बुखारी पे कुछ इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए उसी स्कॉलर जो इल्ज़ाम लगाता था उसने अपनी महफिल में एक दफा अनाउंस किया कि मेरी महफिल में मेरे क्लास में जो इमाम बुखारी की साइड में है वो खड़ा होकर चला जाए गेट आउट हालांकि उस मामले में इमाम बुखारी अलैह वाज इनोसेंट फिर भी इल्जाम लगा कंट्रोवर्सी होती है लाजकल फेक न्यूज ये वो तो कहा कि जो इनके फेवर में है वो उठ के चले जावे एक शख्स खड़े होते हैं अपनी पगड़ी उतारकर चले जाते हैं वो इमाम मुस्लिम वो भी अपने जमाने के टॉप स्कॉलर तो एक स्कॉलर दूसरे स्कॉलर की इज्जत करता है तो हमारे यहां अहले इल्म की इज्जत कम हो गई है इसीलिए हमारे अंदर दीन बाकी नहीं रहता है हम लोग यूट्यूब पे डिपेंड हो गए हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से दिन सीखने के लिए डिपेंडेंट हो गए हम लोग ट्रांसलेटर्स पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन जो एक्चुअली आलिम जो होता है जो टीचर होता है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 50 यूट्यूब पे ऑपरेशंस देखा है हाउ टू डू सर्जरी कैन यू कॉल मी अ डॉक्टर लेट जाओ भाई तुम्हारा पेट फाड़ के कुछ ऑपरेशन करके सीखे देता हूँ करेंगे आप भाई मैंने 50, 60 सिक्स देखी है 100 यूट्यूब देखी है 1000 देखी है, कैन आई बी क्वालिफाइड वाई आर वी सो मच डिपेंडेड अपॉन ओनली टॉक्स एंड टॉक्स एहले की सोबत में जो रहता है उसकी इज्जत करता है तो आगे चलकर इसकी इज्जत बढ़ती है तो अहले इलम का मकाम हमने देखा अब हम देखेंगे मकाम गवर्नमेंट का का इनका भी शुमार बड़ों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सलासल ने फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर एक नाक कटा हुआ स्लेव लीडर अपॉइंट किया गया है तो यू हैव टू ओबे हिम यू ओबेनॉट से वी डोंट लाइक हिम यू कैनोट से ये तो वैसा है वैसा है अनएजुकेटेड अगर अपॉइंट किया गया है तो यू ओ टू ओबे हिम या यूफीना मनु अतिलाती रसूल व उम्र ऐमान वालो अल्लाह की इतात करो नबी की फरमाबदारी करो ओलिल अमर मिनकुम जो तुम्हारे अम्र है जो तुम्हारे सरदार है जो मुस्लिम गवर्नमेंट है तुम्हारी अच्छी है उनकी इतात करो यू बी ओबे इन धम उसके बाद बड़ों में शुमार होता है चाचा मामू इनका यहाँ तक कि साहबा किराम एक दूसरे की इज्जत में ये भी इनको भी शुमार करते थे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और माँ का भी इंतकाल हो गया लेकिन मैं उनके साथ भलाई करना चाहता हूँ तो प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके दोस्त और अहबाब के साथ भलाई करो तुमको सवाब मिलेगा गोया तुमने तुम्हारे माँ बाप के साथ भलाई की यानी चाचा मामू खाला फूफी ये जो हमारे माँ बाप के रिलेटिव्स है उनके फ्रेंड्स है दो सहबाब हैं इनकी इज्जत करने से गोया आपने अपने मरे हुए माँ बाप की इज़्ज़त की तो बड़ों की इज्जत में इन चीज़ों का शुमार होता है अब हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या फरमाया और शरीयत इस्लाम और सलफ़ किस तरह से बड़ों की इज़्ज़त की तालीम देते हैं सुनन अबू दाऊद की हदीस है गौर से सुने सुनन अबू दाऊद थ्री टाइप्स ऑफ पीपल आर ऑनर्ड जब तक के तीन किस्म के लोगों की इज्जत नहीं की जाएगी तब तक अल्लाह की इज्जत आप नहीं कर सकते हो जब तक तीन कैटेगरी के लोगों की इज्जत नहीं कर पाएंगे तब तक आपने अल्लाह की इज्जत नहीं की नंबर वन वो जईफ मुस्लिम जिसके बाल सफेद हो गए हैं चाहे वो आपके वालिद हो चाहे पड़ोसी हो चाहे मस्जिद में कोई नमाजी हो अगर कोई मुसलमान जिसके बाल सफ़ेद हो गए हो बुढ़ापे में अगर आपने उसकी इज्जत नहीं की आपने उसका मजाक उड़ाया आपने उसको कॉपरेट नहीं किया तो आपने अल्लाह की इज्जत नहीं की भले दिन बसवान अल्लाह सुबह अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहेंगे नंबर टू वो रूलर वो गवर्नमेंट जो इंसाफ परस्ते अगर वो इंसाफ करते हैं और आपने उनकी इज्जत नहीं की तो आपने अल्लाह की इज्जत नहीं की नंबर थ्री वो मुसलमान स्कॉलर जो इल्म रखता है और इल्म पे अमल भी करता है अगर आपने अहले इल्म की इज्जत नहीं की तो आपने अल्लाह की इज्जत नहीं की बड़ा ज़बरदस्त कोट है अबू दाऊद की ये हदीस है अबू जुहैफा ये किसी जमाने के बहुत बड़े स्कॉलर है ये अबू जुहैफा ये कहते हैं कि हमेशा अपने सीनियर्स के साथ बैठा करो सीनियर्स यानी चाचा मामू अपने घर के बड़े इनकी कंपनी टीचर्स इनकी कंपनी में बैठा करो इनकी कंपनी में बैठा करो मिक्स विद द वाइज पीपल मिक्स विद द वाइज पीपल जो लोग हमत वाले हैं इनके साथ मिलना जुलना रखो एंड इंक्वायर फ्रॉम द स्कॉलर्स और अगर दीन का कोई मसला पेश आता है तो उसको पूछो जिसको इल्म दीन है अगर आप कहीं शादी में जाते हैं तो आप लोग किसके साथ बैठते हैं अक्सर फ्रेंड्स के साथ या कजिन्स के साथ राइट थोड़ी देर भी आप कभी जाकर अपने एल्डर्स के साथ बैठते हैं क्या नहीं बैठते अवॉइड करते हैं यह हमारा जनरेशन ये एल्डर्स को अवॉइड करता है महफिलों में जनाजे में भी अवॉइड करते हैं शादियों में भी अवॉइड करते हैं तो इसमें हमारे जिंदगी में एक गुड कैरेक्टर का बहुत सा बड़ा हिस्सा माइनस में चला गया इमाम ताउस बिन का कहते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ़ द सुन्नत सुन्नत का इस्लामिक तहजीब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से सुन्नत का एक हिस्सा ये है कि चार किस्म के लोगों की इज्जत की जाए नंबर वन रिलीजियस स्कॉलर्स नंबर टू हमारे बड़े जो उम्र में है नंबर थ्री गवर्नमेंट मुस्लिम गवर्नमेंट नंबर फोर वालिद चार किस्म के लोगों की इज्जत करना वाजिब है अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये भी साहबी और कुरान के मुफसर हैं ये भी कुरान की स्कॉलर्स की कितनी इज्जत करते हैं देखो ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता है कि किस शान में आयत नाजिल हुई थी यानी फाइव थाउजेंड प्लस आयतें हैं कुरान में हर आयत कब नाजिल हुई क्यों नाजिल हुई इबन मसूद कहते हैं कि मुझे इसका नॉलेज है इबन मसूद फिर भी कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर मुझे पता है कि किसी शख्स को मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा मालूम है और मैं अगर ऊँट पे बैठकर कर उस तक पहुँच कर पूछ के आ सकता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा और उतना सा इल्म जो बाकी था वो भी पूछूंगा दिस इज द रिस्पेक्ट दे गिव टू द स्कॉलर्स वो नहीं कहते कि मैं उनको बुलाऊंगा कि मुझे ज़्यादा आता है वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा यानी किसी के पास अगर नॉलेज है ज़्यादा तुमसे यू रिस्पेक्ट इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा एक हदीस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए दामिश तक चले गए जिस साहबी के पास गए वो साहबी घर में सो रहे थे दोपहर का टाइम था जहर के बाद का लोगों को आराम करने का टाइम होता है तो इन्होंने दरवाज़ा नॉक करके घर में नहीं गए ये बाहर बैठे रहे गर्मी में असर के लिए वो साहबी बाहर आए का अल्लाह के रसूल के कजिन इबन अब्बास क्या बात है यहाँ मेरे वहाँ तशरीफ लाए उठाते मुझे तो कहा कि नहीं आप दोपहर के टाइम आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स तो कहते अरे आप मुझे बुला लेते मैं आ जाता था बोला नहीं जिसको नॉलेज की तलब है वो खुद ट्रेवल करेगा इफ आई वॉन्ट टू लर्न नॉलेज आई विल कम टू यू आज तो YouTube घर पे आके सिखाते ऑनलाइन टीचर आ, आ, आ गई ना वहाँ क्या मैं खुद जाऊँगा तो सी द डिफरेंस इन गेटिंग नॉलेज में जब फर्क आ जाता है तो क्वालिटी में भी फ़र्क आ गया ना ऑनलाइन स्टडीज़ बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है नहीं हो रही है सोफे पे बैठे हैं चाय पीते पीते अटेंड कर रहे हैं और क्या करते हैं वर्चुअल इमेज डालकर भाग जाते हैं ऐसे कर जैसे फ़ोटो डाल दिए एक लड़के ने जैसे कि सुन रहा है मानो पर टीचर समझ रही कि वो सुन रहा है और वो सुन ही नहीं रहा वो तो कहीं और चाय पीने गया पानी पीने गया बाथरूम गया तो जब नॉलेज घर में आने लगता है कि पढ़ाने वाला घर पे आता तो वो नहीं होता जब आप जाओगे सीखने के लिए तो वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है तो इबन अब्बास कहते हैं कि नहीं जो तलब है इल्म का जो तलब रखता है वो खुद आता है तो इस तरह से अहल इलम की माँ बाप की इन बड़ों की जो इज्जत होती है उसके ज़रिए हमारा अपना कैरेक्टर अच्छा बनता है एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक कैरेक्टर इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप इस्लामिक कैरेक्टर यू हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल हु आर सीनियर्स नहीं तो चंद सालों में आप भी या टीचर बन जाओगे या उस्ताद बन जाओगे या माँ बाप बन जाओगे लेकिन आप महसूस करोगे कि आपके जूनियर्स आपकी इज़्ज़त नहीं करते और ये सिलसिला चलते रहेगा तो बेहतर है वी बी ऑन अवर गार्ड एंड वी सी टू इट दैट कि हम हमारे बड़ों की इज़्ज़त करें अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हमें तौफीक दे हमारे बड़ों की इज़्ज़त करने में वाख रावान रबीआलमिनलैक् वरहि वबरकू अगले नशीस में मिलेंगे इसके पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे इसी वक्त कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदकाए जारिया बनाए आमीन आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें